यानी ब्रिटेन के अंदर क्वीन एलिजाबेथ थी और हिंदुस्तान में चांदनी थी, ये दोनों समकालीन थे, एक ही दौर के दोनों हुक्मरान। तो उस वक्त दूसरा कोई लेडीज हुक्मरान नहीं। झीरो न्यूज़ मध्य शाकिर भाई आपका इस्तकबाल है। शाकिर भाई ये जो है इतिहास के अच्छे अभ्यासक हैं और जैसा कि एक मुहर्रम को चांद बीबी की वफात हुई, चांद बीबी का इंतकाल हुआ, शाकिर भाई आप चांद बारे में कुछ जानकारी दें। जैसा कि हम सब जानते हैं, चांद बीबी हुसैन निज़ाम शाह की लड़की थी, अहमदनगर के अंदर उसने हुकूमत की और वो वक्त में जो मतलब लेडीज़ हुक्मरान जिसको बोलेंगे या औरतों की जो हुक्मरानी थी बहुत कम थी। उस दौर के अंदर निज़ाम शाही को लेकर चलने वाली चांद बीबी, जिसको बाद में चांद सुल्ताना का खिताब मिला, बहुत ही जहीन, बहुत होशियार और बहुत पढ़ी लिखी थी। चांद बीबी जो थी ये उस दौर के अंदर यानी ब्रिटेन के अंदर क्वीन एलिजाबेथ थी और हिंदुस्तान में चांदनी थी, ये दोनों समकालीन थे, एक ही दौर के दोनों हुक्मरान। तो उस वक्त दूसरा कोई लेडीज हुक्मरान नहीं थी, ये दोनों की समकालीन। आप तकरीबन 7 ज़बानें जानती थी, जिसमें कन्नड़ और मराठी, ये तो रवानी से उर्दू फारसी अरबी, ये सभी जबानें आपका आपका जंग के मैदान में जैसा रोल रहता था वैसा ही रोल आपका जिंदगी में भी था। आप परिंदों से बहुत प्यार किया करते, बाज आपके हाथ के ऊपर हमेशा रहता, और किले के अंदर जो गगन महल था, महल के अंदर एक बावली थी जिसको जमुना बावली बोला जाता था, जमुना बावली बोला जाता था, उस जमुना बावली के अंदर मछलियाँ पाल रखी, तो मछलियों से शाम के वक्त खेला करते और वो उनको देख के बहुत खुश हुआ करते। उसके बाद इसके दाती अस्तबल में 400 अलग अलग नस्ल के घोड़े थे जिसको वो अपनी जाती निगरानी में रखा करती। इसी तरह से परिंदों से जानवरों से इसको बहुत लगाव था। चांदनी भी बहुत ही बहादुर और एक काबिल हुक्मरान थी, उसने बहुत से जंगें लड़ी, बहुत से जंगों में शरीक हुई और मुगलों से लड़ते हुए एक मुहर्रम को उसका विशाल है। शाकिर भाई अपने साथ थे जिन्होंने चांद बीबी की मुख्तसर मालूमात दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। झीरो न्यूज़ यूट्यूब चैनल के ज़रिए दी गई हुई चांद सुल्ताना के बारे में जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो आए अपने कमेंट्स करें, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, तो चले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें झीरो न्यूज़।